ये वाराणसी का कैंट स्टेशन है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है। सारनाथ यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आपको आसानी से टैक्सी मिल जाएगी, जिससे आप सारनाथ लगभग आधे घंटे में पहुँच जाओगे। आज हम आपको सारनाथ की पूरी सैर करवाने जा रहे हैं। आइए हम आपको आज सारनाथ की सारी जगह घुमाते हैं और सभी जानकारियाँ भी देते हैं। वीडियो सच में बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में। सारनाथ पहुंचने पर रोड की बाएं तरह आपको ये विशाल स्तूप देखने को मिलेगा, जिसका नाम खांडवी स्तूप है। यहाँ टिकट लगता है, अतः आपको अंदर जाने के लिए 25 रुपये का टिकट खरीदना होगा। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार दिखता है ये स्तूप। अंदर जाते ही आपको एक विशाल स्तूप दिखाई देगा। यहाँ चारों तरफ खूबसूरत पार्क है। पार्क में आप आकर दिन भर समय बिता सकते हो। यह स्तूप सच में पुराने पत्थरों से बना हुआ है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। आइए इसके बाद हम आपको थाई टेम्पल लेकर चलेंगे, जहां पर भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी है। वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन वीडियो के हर पार्ट में आपको कुछ न कुछ नया देखने को मिलने वाला है। इस स्थान को थाई टेम्पल भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी देखरेख थाईलैंड की सरकार भी करवाती है। यह सारनाथ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है और एक बहुत ही सुंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति भी है, जो दिखने में बहुत सुंदर लगती है। और यहीं पर ऐतिहासिक बोधि वृक्ष भी है, जिस स्थान पर बैठकर भगवान बुद्ध ने प्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। दलाई लामा आर्ट गैलरी नाम से ये जगह सारनाथ में ही है। यहाँ बनारस की फेमस साड़ियाँ बनाई जाती है। यहाँ आज भी पुरानी मशीनों से कपड़े बनते हैं, और जो कपड़े बनाते हैं उन्हें जुलाहा बोला जाता है। अगर आप जुलाहों को साड़ी या कपड़ा बनाते हुए देखना चाहते हो, तो यहाँ अवश्य आइए, और आपको यहाँ सारनाथ प्रिंट किए हुए कपड़े माँ ले जाएंगे। बाहर सड़क पर आपको ढेर सारी दुकानें देखने को मिल जाएगी, जहां से आप भगवान बुद्ध की छोटी बड़ी मूर्ति और संगमरमर की कई प्रकार की सुंदर मूर्ति मिल जाएगी, जिसे आप खरीद कर घर ले जा सकते हो और अपने घर में रख सकते हो। इससे आपकी यात्रा की यादें हमेशा ताज़ा रहेगी।
सारनाथ म्यूजियम का टिकट 5 रुपये है। हम आपको म्यूजियम का वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि म्यूजियम के अंदर मोबाइल ले जाना मना। वाकई में म्यूजियम के अंदर की चीजें बहुत पुरानी थी। यहाँ आपको अशोक स्तंभ भी देखने को मिल जाएगा जो बहुत दुर्लभ है। आपको ये सारी चीजें देखने के लिए स्वयं वाराणसी आना होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पार्क यहाँ बनाया गया है। यहाँ धमिक स्तूप प्रमुख है जिसको बौद्ध धर्म में बड़ी मान्यता दी जाती है। धमिक स्तूप एक वृहद स्तूप है। धमिक स्तूप का निर्माण 500 AD में मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा 279 में बनवाए गए एक पूर्व स्तूप के स्थान पर किया गया था। यह सारनाथ की सबसे आकर्षक संरचना है। इस बेलनाकार स्तूप का आधार व्यास 28 मीटर है जबकि इसकी ऊंचाई 43.6 मीटर है। धमिक स्तूप को बनवाने में ईंट और रोड़ी और पत्थरों को बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। स्तूप के निचले तल में शानदार फूलों की नक्का सी की गई है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, हम आपको धमिक स्तूप के पास लेकर चल रहे हैं। यहाँ आपको बौद्ध मोंट भी देखने को मिलेंगे जिनका बौद्ध धर्म में बहुत सम्मान दिया जाता है। बौद्ध मोंट भगवान बुद्ध के आदर्शों पर ही चलते हैं। इनका दर्शन बहुत ही सुखद एहसास कराता है। ऐसा लगता है मानो हम स्वयं भगवान बुद्ध का दर्शन कर रहे हो। वीडियो के अंतिम भाग में हम आपको जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ जी की तपस्थली में लेकर आए हैं जिनका की सारनाथ में एक भव्य मंदिर बना हुआ है। आप भी दर्शन करिए भगवान श्रेयांसनाथ जी का। हमने आपको सारनाथ के सभी घूमने लायक जगहों को दिखा दिया। वाकई में यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आपको भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में जरूर आना चाहिए। हम आगे भी आपको नए नए शहर की यात्रा कराएंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को निसंकोच सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।